ब्लैकपिंक की मेंबर लीसा और बीटीएस के मेंबर जिमिन दोनों ने ही अपने सॉन्ग्स को लेटेस्ट रिलीज किया है और दोनों का ही कमबैक उनके उनके फैंडम यानी आर्मीज और ब्लिंक्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा। इतने टाइम बाद लीसा का सोलो सॉन्ग सुनकर ब्लिंक्स काफी खुश थे और जिमिन की भी सेकेंड न्यू एल्बम के बारे में जानकर आर्मीज काफी एक्साइटेड है। हालांकि दोस्तों दोनों ही आइडल्स के सॉन्ग रिलीज होने के बाद एक अजीब सी कंट्रोवर्सी इंटरनेट पर फैल गई, जहां पर कई सारे लोग लीसा और जिमिन को कंपेयर कर रहे हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि लीसा ने जिमिन को पीछे छोड़ दिया, उनको हरा दिया या फिर उनके सॉन्ग को पीछे खत्म कर दिया। लेकिन ये बातें क्यों हो रही हैं और इसमें कितनी सच्चाई है वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो रिसेंटली जिमिन ने अपना नया सोलो सॉन्ग सिमरेल्डो गार्डन रिलीज किया और लीसा का सॉन्ग रॉकस्टार भी काफी धूम मचा रहा था। लेकिन क्योंकि लीसा के सॉन्ग को थोड़ी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, थोड़ी ज्यादा रीच मिल गई, क्योंकि वो सॉन्ग काफी ज्यादा अलग बीट और काफी फास्ट है, इसीलिए कई सारे लोगों का मानना है कि लीसा ने जिमिन को पीछे छोड़ दिया या फिर उनके करियर को खत्म कर दिया। उनके सॉन्ग को तो इतने कम व्यूज मिले, वहीं पर लीसा को इतनी ज्यादा हाइप मिल रही है। लेकिन दोस्तों मेन बात तो ये है कि दोनों ही सॉन्ग्स का टाइप बहुत ही अलग है और उसे देखने वाले लोग भी काफी अलग है। जिमिन का सॉन्ग बहुत ही हैप्पी वाइब्स और सूदिंग है, वहीं पर लीसा का सॉन्ग बहुत ही हाई बीट वाला है और काफी ज्यादा तेज बीट्स वाला है। ऐसे में हो सकता है कि लोगों को उनका सॉन्ग ज्यादा पसंद आया हो और हो सकता है कि जिमिन के इस सॉन्ग को उतनी पॉपुलैरिटी ना मिली हो। बट मेन सवाल ये है कि दोनों ही फैंडम में जो कोल्ड वॉर चल रही है वो काफी गलत है, क्योंकि एक टाइम पर कई सारे आर्टिस्ट दुनिया में काफी कुछ रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके बीच में कोई कंपैरिजन है। साथ ही साथ अगर लीसा को थोड़ी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, इसका मतलब ये नहीं होता कि जिमिन उनसे पीछे हो जाएंगे या फिर जिमिन उनसे कम हो जाएंगे। ब्लैकपिंक के सामने बीटीएस ने भी काफी अच्छे अच्छे मुकाम्स को हासिल किया है और ब्लैकपिंक ने भी बीटीएस के सामने काफी अच्छे अच्छे टारगेट्स को रीच किया है। दोनों ही आइडल्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों ये फैंडम अपने अपने आइडल्स के साथ खुश नहीं रहते और क्यों ये दूसरे आइडल्स को नीचे गिराने या फिर नीचे दिखाने के पीछे इतना ज्यादा क्रेजी रहते हैं? मतलब आप अपने आइडल की अचीवमेंट के साथ भी तो खुश रह सकते हो। आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आपके अपने आइडल ने कुछ अच्छा किया है तो सामने वाले ने कुछ अच्छा नहीं किया। और दोस्तों वैसे भी इस चक्कर में लीसा और जिमिन को बेफालतू की हेट मिल रही है, क्योंकि दोनों का तो एक दूसरे से कोई मतलब भी नहीं था। उन्होंने तो अपने अपने फैंस के लिए गाने रिलीज करे, लेकिन पता चल रहा है कि लीसा के फैंस जिमिन को उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं और जिमिन के फैंस लीसा को हेट कर रहे हैं, जो कि काफी गलत है। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल ये कंट्रोवर्सी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जबकि लोगों का मानना ये है कि ये काफी ज्यादा गलत बात है और लोगों को ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपका इस बात को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि लीसा ने जिमिन को हरा दिया या फिर अभी भी आपके लिए जिमिन नंबर वन है? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।